हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानंद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले डिफरेंट टर्म्स और डिफरेंट क्वालिटी टर्म्स के बारे में मैं मेरे चैनल में एक्सप्लेन करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज का टॉपिक है वाई एनालिसिस और थ्री लेग फाइव वाई एनालिसिस के बारे में। वाई एनालिसिस को फाइव वाई एनालिसिस भी कहते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका एक्चुअल रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हम वाई एनालिसिस करते हैं। वाई एनालिसिस करते समय आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के मेंबर को आपको इन्वॉल्व करना है, जिसके बाद आप अच्छी तरह से वाई एनालिसिस कर सकते हो और रूट कॉज फाइंड आउट कर सकते हो। जनरली हम फाइव वाई एनालिसिस तक जाते हैं, मगर ऐसी कोई भी सीमा नहीं है कि अगर आपको फाइव वाई एनालिसिस करने के बाद भी एक्चुअल रूट कॉज नहीं मिलता है तो आप उसके आगे भी जा सकते हो। फाइव वाई एनालिसिस जनरली हम ऑकरेंस साइड और डिटेक्शन साइड दोनों साइड में करते हैं। ऑकरेंस साइड मतलब कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, और डिटेक्शन साइड मतलब कि अगर प्रॉब्लम हुआ भी था तो उसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया। इसके लिए हम फाइव एनालिसिस दोनों साइड में करते हैं। आइए देखते हैं सिंपल एग्जांपल। प्रॉब्लम है कि पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल टू डिस्पैच टू द कस्टमर, कि कस्टमर को पार्ट भेजने के लिए हमारे पास उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो फर्स्ट वाई आ गया आपका कि पार्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि पार्ट का प्रोडक्शन नहीं हुआ था। पार्ट का प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ था, तो सेकंड वाई आता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। रॉ मटेरियल क्यों अवेलेबल नहीं था, तो आपका थर्ड वाई आता है कि मिनिमम स्टॉक स्टोर डिपार्टमेंट ने मेंटेन नहीं किया। तो मिनिमम स्टॉक में स्टोर डिपार्टमेंट में क्यों मेंटेन नहीं किया, तो आपका फोर्थ वाई आता है कि लैक ऑफ मटेरियल एट सप्लायर एंड, मतलब सप्लायर के पास ही मटेरियल की कमी थी। अगर आपके सप्लायर के पास मटेरियल की कमी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का प्रोडक्शन वहीं पे बंद कर दें, आपको कुछ दूसरा तरीका भी सोचना चाहिए था। तो स्टोर डिपार्टमेंट में इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, तो आपका आएगा फिफ्थ वाई कि उनके पास कोई कंटिजेंसी प्लान अवेलेबल नहीं था। कंटिजेंसी प्लान मतलब कि अल्टरनेटिव ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो भी कुछ ऑप्शन ए यूज़ करते हो, अगर इन केस अगर ऑप्शन ए का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आपके पास कंटिजेंसी प्लान रहना चाहिए, कि मतलब अगर ऑप्शन ए का कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है तो आप तुरंत ऑप्शन बी की तरफ शिफ्ट हो सके। ये होता है कंटिजेंसी प्लान, और वह स्टोर डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल नहीं था, और जिसकी वजह से रॉ मटेरियल नहीं था और पार्ट का प्रोडक्शन नहीं हो पाया और हम कस्टमर को पार्ट नहीं डिस्पैच कर सके। ये हमारा हो गया एक्चुअल रूट कॉज। तो फाइव वाई एनालिसिस के जरिए हम इस रूट कॉज तक पहुंच पाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक सेम एग्जांपल दिया है, सिर्फ वाई एनालिसिस चेंज किया है। प्रॉब्लम सेम है कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पार्ट का प्रोडक्शन नहीं हुआ। पार्ट का प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मशीनें अनेबल थी या मशीन कैपेबल नहीं थी पार्ट का प्रोडक्शन निकालने के लिए। मशीन क्यों प्रोडक्शन नहीं निकाल पाई, क्योंकि कूलिंग टावर बंद था। कूलिंग टावर क्यों बंद था, क्योंकि कूलिंग टावर की जो मोटर है वो बिगड़ गई है। कूलिंग टावर की मोटर क्यों बिगड़ गई, क्योंकि उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम पर नहीं हुआ, मतलब उसका जो पीएम है तो उसका टाइम पे नहीं हुआ, इसके लिए ये जो कुछ प्रॉब्लम है वो आया है। अभी हम अगर सिक्स्थ वाई की तरफ जाएंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ था, तो ये हम नहीं बता पाएंगे। एक तो ये एक सिस्टम की वजह से हुआ है, या लैक ऑफ अवेयरनेस, या लैक ऑफ सम पीपल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो इसके बारे आगे हम नहीं जा सकते। ये एक्चुअल रूट कॉज हमें मिल गया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम पे नहीं हुआ था, इसके लिए जो भी कुछ प्रॉब्लम है वह आया था। ठीक है, नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम है
कि डिफेक्टिव पार्ट फाउंड एट कस्टमर एंड, तो इसके ऊपर हमें 5Y एनालिसिस करना है। तो डिफेक्टिव पार्ट कस्टमर की तरफ क्यों गए? फर्स्ट वाई, रिजेक्टेड पार्ट मिक्स्ड विद ओके पार्ट, क्योंकि रिजेक्टेड पार्ट जो है ओके पार्ट में मिक्स हो गए, वो क्यों हो गए? सेकंड वाई है कि प्रॉपर लोकेशन डिफाइन नहीं था रिजेक्टेड पार्ट के लिए। तो प्रॉपर लोकेशन रिजेक्टेड पार्ट के लिए क्यों डिफाइन नहीं था? क्योंकि थर्ड वाई है लैक ऑफ स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को स्टोरेज करने के लिए स्पेस की कमी थी। तो स्पेस की कमी क्यों थी? क्योंकि 5 years मेंटेन नहीं था। अभी 5 years क्यों मेंटेन नहीं था इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, मगर सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन जो भी कुछ 5 years है वह मेंटेन नहीं हुआ था। इसीलिए जो भी कुछ अबव प्रॉब्लम है डिफेक्टिव पार्ट फाउंड एट कस्टमर एंड, वो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट टू मेंटेन 5 years, 5 years हम मेंटेन करने के लिए शुरू कर सकते हैं। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं कि ओके पार्ट और नॉट ओके पार्ट पर टैगिंग कर सकते हैं। थर्ड, हम रिजेक्टेड पार्ट को इमिडिएटली स्क्रैप एरिया या क्वारंटाइन एरिया में मूव कर सकते हैं। ये एक्शन लेने के बाद हमारा जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का थ्री लेग्ड 5Y एनालिसिस। 5Y एनालिसिस क्या है इसके बारे में आपने अच्छे से देखा है, अभी थ्री लेग्ड क्या है? तो थ्री लेग्ड में पहला है ऑकरेंस सेट, या आप उसे स्पेसिफिक लेग कह सकते हो, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो वह क्यों जनरेट हुआ। इसके बारे में हम जब 5Y एनालिसिस करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑकरेंस सेट या स्पेसिफिक लेग। सेकंड है डिटेक्शन साइड लेग, मतलब अगर प्रॉब्लम हुआ भी था तो उसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो इसके बारे में जब हम 5Y एनालिसिस करते हैं तो वो आता है आपका डिटेक्शन साइड लेग में। और थर्ड है सिस्टमिक लेग, मतलब अगर आपके सिस्टम में ही कोई कमी है तो आपका वो आ गया सिस्टमिक लेग, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि कंटिजेंसी प्लान अवेलेबल नहीं है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया गया, तो ये कुछ जो भी कुछ कमी है वो आपकी सिस्टेमिक लेग की वजह से है। किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हम थ्री लेग्ड 5Y एनालिसिस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक 5Y एनालिसिस शीट दिखाई है जो कि बहुत ही एक सिंपल है कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम लिखना है और बाद में फर्स्ट वाई, सेकंड वाई, थर्ड वाई, फोर्थ वाई और फिफ्थ वाई, जितने भी आपने 5Y एनालिसिस किया है उस पर उसे आपको लिखना है। तो आपका एक्चुअल रूट कॉज क्या हुआ है यहाँ पर कि कंटिजेंसी प्लान अवेलेबल नहीं था, तो आपने उसके ऊपर एक्शन क्या लेनी चाहिए? तो आपने अल्टरनेटिव सप्लायर बनाया जो कि हमें रॉ मटेरियल का सप्लाई कर सके, मतलब ये अपने कंटिजेंसी प्लान में ऐड किया जिसकी मदद से आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है वह एलिमिनेट हो जाए। तो एक 5Y एनालिसिस शीट है, वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल 5Y एनालिसिस शीट है और आपको रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए और उसे एलिमिनेट करने के लिए 5Y एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।